हेलो फ्रेंड्स, आज हम गुजरात की स्पेशल डिश ऊंधिया बनाएंगे। तो ये स्पेशल विंटर डिश है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये इसके लिए हमें इस तरह की सुरती पापड़ी चाहिए, जिसे कुछ हमें इस तरह से साफ करना है, इसकी पीच ऐसे करके और इसे खोल कर इस तरह से हमें साफ करना है। ये तुवर के दाने हैं, उसे भी हमें हर एक तुअर को इस तरह से खोल के उसमें से दाने निकालने हैं। ये मटर, एक कच्चा केला, ये शकरकंद जिसे स्वीट पोटैटो भी कहते हैं, छोटे आलू, छोटे बैंगन, ये कंद, इसे पर्पल याम भी कहते हैं, जो अंदर से इस तरह से काटोगे तो इस तरह का पर्पल कलर आएगा। एक टमाटर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब मसाले के लिए हमें 3 हरी मिर्च, एक अदरक का टुकड़ा, हरे लहसुन, नारियल आधा, हरे लहसुन की पत्तियां मैंने काट के इस तरह से रखी है फॉर गार्निशिंग। तो ये हो गया हमारा सुरती उंधिया की सब्जी का सामान। अब हम बनाएंगे मेथी के मुठिये। उसके लिए हमें इस तरह बारीक कटी हुई मेथी, गेहूं का इस तरह का जाड्डा आटा चाहिए हमें, और ये आधी बाटी बाजरी का आटा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मुठिया का प्रिपरेशन करते हैं। एक बाउल मेथी बारीक कटी हुई, 3 टीस्पून गेहूं का जाड़ा आटा, यदि ना हो तो रोटी का आटा भी डाल सकते हैं, और 3 टीस्पून बाजरे का आटा। इसमें आधा चम्मच नमक, 2 चम्मच शुगर, 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएंगे। हाफ टी स्पून हल्दी, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच जीरा और 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इसका हमें एक नरम आटा गूंदना है, यदि ज़रूरत पड़े तो ही थोड़ा पानी डालें, वरना उसी में ही आटा गूंद ले। आटे को अच्छी तरह से गूंद कर उसे 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए ये हरा लहसुन, तीन हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और नारियल के पीसेस, इन सब को हमें बारीक पेस्ट बना देना है। पहले थोड़ा सूखा ही पीस लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर उसे पेस्ट बना देंगे। तो ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। कढ़ाई में हमें 3 बड़े चम्मच तेल लेना है, उंधिया है तो उंधिया में तेल थोड़ा ज़्यादा ही आएगा। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच हींग डाल देंगे। अब इसमें 4 चम्मच हम नारियल का मसाला डाल देंगे। वैसे तो ओरिजिनल रेसिपी में बहुत ही तेल आता है, पर मैंने हेल्दी बनाने के लिए तेल का उपयोग थोड़ा कम किया है। ये कोकोनट का मसाला हमारा तेल में अच्छी तरह से भून जाए, उसके बाद हम 1 टोमेटो इसमें कट करके डाल देंगे और 2-3 मिनट बाद हम इसमें सुरती पापड़ी, 2 के दाने और मटर मिला देंगे। अब हम मसाला कर देंगे। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच सॉल्ट, सब डालकर हमें अच्छी तरह से इसे मिला देंगे।
इसे हम मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट तक ढककर पकाएंगे। तो तब तक हम मुठिया बना लेते हैं। हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इस तरह हमें छोटे छोटे मुठिये बना देने हैं। इसे हमें गरम तेल में तल देना है। तब तक हम बाजू में ये हमारी सब्जी भी चेक कर लेते हैं। ये मुठिया हमारे थोड़े गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम उसे निकाल देंगे। ये मुठिया आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। अब हम सारे वेजिटेबल्स इसमें डाल देंगे, सिवाय हमें आलू और बैंगन को नहीं डालना है। सारे वेजिटेबल्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और यहाँ हम थोड़ा सा 3 से 4 टेबलस्पून जितना पानी डालेंगे और वापस उसे ढककर पकाएंगे। अब जो बाकी बचा कोकोनट का मिक्सचर था उसमें हम 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, उसे हम हाथों से इस तरह से मिला देंगे और हमें ये मसाला बैंगन के अंदर और ये पोटैटो के अंदर इस तरह से भरना है। आलू को हमें पूरा नहीं काटना है, इस तरह से काटना है कि हम इसमें मसाला भर सके। और बैंगन को भी हम ऊपर का पार्ट निकाल देंगे और उसे भी हम कुछ इस तरह से काट लेंगे। पहले एक साइड पर कट लगाएंगे और फिर अपोजिट साइड पर दूसरा कट लगाएंगे। अब ये जो कोकोनट का मसाला बनाया है हमने, ये हम इस तरह बैंगन में और आलू में दोनों में भर लेंगे। सब्जी हमारी 80% तक पक जाए उसके बाद ही हमें ये आलू और बैंगन डालना है, वरना आलू और बैंगन एकदम गल जाएंगे। ये सारे वेजिटेबल्स अब 80% तक हमारे पक चुके हैं। अब आलू और बैंगन को डालकर इसे इस तरह से फैला देंगे। बाकी बचा कोकोनट का मसाला था उसी में मैंने थोड़ा पानी डालकर इसमें डाल दिया है और अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे हल्के हाथों से और इसे वापस हम ढककर थोड़ी देर पकाएंगे। पांच मिनट बाद हम देखेंगे कि हमारे आलू और ब्रिंजल भी अभी अच्छी तरह से पक चुके हैं, तो तब हम अपने ये मुठिया डाल देंगे। मुठिया डालकर हम इसे ढक देंगे। तीन से चार मिनट बाद हम इसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे। ये उंधिया रेडी हो चुका है। हम इसे हरे लहसुन और बारीक कटी हुई धनिया से गार्निश कर देंगे।
ये स्वादिष्ट उंधिया को आप गर्मा गर्म पूरी के साथ एंजॉय कीजिए।